नमस्कार, आप देख रहे हैं टीसीबी 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल, और ये है हमारा खास शो स्क्रीन सीन। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर ओटीटी की दुनिया में क्या कुछ हलचल है आपको यहां बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीआर यानी कि एनटी रामा राव की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और हर फिल्म में परफेक्शन अब भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। साउथ की फिल्मी दुनिया और राजनीति में एनटी रामा राव का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। तेलुगु फिल्म में बहुत सारी गहरी छाप छोड़ने वाले एनटी रामा राव ने अपने फिल्मी जीवन में बहुत सी पौराणिक किरदार किए, लेकिन फिल्मों की बात हो या राजनीतिक जीवन की, उन्होंने हर भूमिका के साथ पूरा न्याय किया और हमेशा सफल रहे। इसे लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। फैंस ने इस मौके पर ट्विटर को उनकी तस्वीरों से पूरा भर डाला है। एक फैन ने लिखा कि एनटीआर तो गॉडफादर है, तो दूसरे ने उनकी सभी फिल्मों के रोल्स की एक वीडियो बनाई और ट्विटर पर दे मारा, जिसके बाद क्या था, ट्विटर पर अब ट्रेंड चल रहा है एनटीआर और लोगों ने बधाई दे रहे हैं। इसके बाद क्या था, लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करा दिया है और अब लोग उन्हें याद कर रहे हैं उनकी पुरानी फिल्में और रोल्स के साथ। एक सीरीज आई है, नाम है महारानी। सीरीज में हुमा कुरैशी का अब तक का सबसे शानदार अभिनय बताया जा रहा है। कोरोना काल में बंद पड़े थिएटर्स की कमी को ओटीटी प्लेटफॉर्म बखूबी पूरा कर रहा है। इसी क्रम में सुभाष कपूर द्वारा रचित, करण शर्मा निर्देशित और हुमा कुरैशी, सोहम शाह, अमित सियाल स्टारर वेब सीरीज महारानी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। सीरीज की कहानी रानी भारती के ऊपर बनी हुई है, जो बिहार के एक गाँव की अनपढ़ साधारण औरत है और गाय भैंस बकरी पालन जीवन यापन करती है। आगे चलकर उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि यही अनपढ़ औरत राजनीति के अनभिज्ञ औरत मुख्यमंत्री बनकर ना सिर्फ राजकाज चलाती है, बल्कि पशुपालन जैसे तमाम घोटालों का खुलासा भी करती है। वैसे तो यह कहानी प्रथम दृष्टि में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की लगती है, लेकिन ये फिल्म काल्पनिक बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा लंबे समय से है, इस फिल्म का नाम है RRR यानी कि RRR। जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट भी इस फिल्म में नजर आएंगे, मगर फैंस के लिए एक बुरी खबर है। पूरी खबर यह है कि ये फिल्म अब लेट हो रही है। बाहुबली के फेमस डायरेक्टर SS राजामौली की नई फिल्म RRR की रिलीज डेट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट्स में फिल्म के एक एक्टर के हवाले लिखा गया है कि 325 करोड़ रुपये के बजट वाली यह फिल्म अक्टूबर में रिलीज नहीं हो पाएगी। एक्टर के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। अगर अक्टूबर तक कोरोना संकट दूर भी हो गया, तब भी राजामौली फिल्म को कंप्लीट समय पर नहीं रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि एक्टर ने कहा है कि फिल्म के अगले साल जनवरी में या फरवरी में रिलीज होने की संभावना है, क्योंकि लगातार फिल्म की शूटिंग अभी भी बची है। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। फिलहाल इस बार के स्क्रीन सीन में इतना ही, अगली बार फिर आपके सामने आएंगे बॉलीवुड की गलियारों की ताजा तरीन खबरें लेकर। TCP 24, number one growing news network.